सो हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। अभी आईलाइनर मैंने लगाया है सिर्फ ऐसे ही कि बेचारी तेरी रील्स बनाने, और सर्दी बहुत ज़्यादा वाली हो रही है। सुबह मिट्टी उड़ गई थी और सुबह से ही लगी पड़ी है खेलने में। सब अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल चुकी है और अब बनवा रही है बुआ के साथ में। डॉग के लोगों के लिए, घर जो बाहर रहते हैं सर्दी में परेशान रहते हैं उनके लिए। तो अभी जैनी अंदर है, अंदर दिख नहीं रही है। जैनी अंदर है, मैं बाहर आई थी रील्स बनाने। और ये क्या बना रही है पर ये बैठे हैं, वो देखो बैठा हुआ है अपने बिस्तर पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किया है, बिकॉज अभी तक मेरा कोई ऐसा ब्लॉग ही नहीं गया है न्यू ईयर में कि आप लोगों को न्यू ईयर में विश कर पाऊँ। सो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग जा रहा है न्यू ईयर से। और यहाँ पर मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा था और यहाँ पर डॉगी लोग बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से काँप रहे थे। तो यहाँ पे लवी बना रही है इन लोगों के लिए घर। घर तो पहले ही बन गया था, बट ये ओस गिर रही है ना, ओस की वजह से पूरा भीग जाता है। इनके जो नीचे बिस्तर वगैरह डाल रखे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये थोड़ा आगे से लगा देगी तो इससे भीगेंगे नहीं। इसको अंदर जाना है और ये डर रहा है इससे। एक बैठा है अंदर, ये डर रहा है, इसके चोट लगी है पैरों में। ये देखो, तो यहाँ पे ये बना रही है डॉगी लोगों के लिए घर, क्योंकि इनको भी ठंड लगती है और ऊपर से ओस गिरती है। ओस गिरती है तो पूरे बिस्तर भीग जाते हैं इन लोगों के लिए। ये दोनों जगह, वो दौड़ रहा है, उसने देखो चोट लगा ली अपने पैरों में, ब्लड निकल रहा है वो देखो। और एक ये बैठा हुआ है। इन दोनों के लिए बन रहा है यहाँ पे घर। और हवा चल रही है आज बहुत तेज वाली। एक देखो वो गाय के लिए घर बना हुआ है वहाँ पर। सो यहाँ पर मिट्टी बैठ के अपनी बुआ के साथ में देख रही थी कैसे बन रहा है कैसे नहीं। ठंड हो रही थी, मैं उससे बोल रही थी बार बार अंदर जाओगे नहीं, उसको यहीं बैठना है, यहीं बैठकर ही देखना है नीचे ही। तो उसके बाद में फिर हम लोग गए थे घूमने। और ये ब्लॉग, ये वाली क्लिप पहले की है। सो इस क्लिप को मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं किया, इतने दिन हो गए। तो ब्लॉग मेरे पास रखा ही हुआ था, मैंने कहा चलो ब्लॉग अब शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। तो जा रहे थे घूमने के लिए और सब लोग, हम ही लोग जा रहे हैं और मिट्टी यहाँ पर गुस्सा कर रही है। आई थिंक वो खेल रही थी, तो खेलते खेलते उसके हाथ में लग गई थी, इसलिए वहाँ पे गुस्सा कर रही है और कह रही है मुझे अंदर नहीं जाना, नहीं जाना करके कर रही है और पूरा हाथ में लेकर रखी हुई है। तो डैडा इसके बोल रहे थे अंदर जाओ जैकेट वगैरह पहन कर आओ, तो कह रही थी नहीं मुझे जैकेट नहीं पहनना है, मैं नहीं जाऊँगी अंदर, मैं नहीं जाऊँगी, और रो रही थी बस। ये डैडा इसके बोल रहे हैं कि नहीं अंदर जाओ। वो बाबा को दिखा रही है वहाँ पर चोट अपनी, कि ये देखो मेरे यहाँ पर लग गई है, चोट लग गई है। तो बाबा यहाँ पर शांत करा रहे हैं और डैडा से कह रही है कि मुझे नहीं जाना, मुझे डैडा की बात नहीं मान रही है। तो अभी हम लोग निकल रहे थे तो इसीलिए बोल रहे थे कि जाओ अंदर जैकेट वगैरह पहन के आओ, फिर निकलना है। तो कह रही थी नहीं मुझे नहीं जाना है। तो बस यहाँ पे इनका यही चल रहा है, नौटंकी चल रही है। जब सब लोगों को देखती है ना तो फिर यही कहती है कि बचा लेंगे सभी लोग, मम्मा डैडा डांट भी नहीं पाएंगे। तो ये इसका यही फ़ायदा होता है, जब सब लोग मिल जाते हैं ना तो सब लोगों बचा लेते हैं इसको, तो इसको डांट भी नहीं पड़ती है। तो और ज़्यादा बच्चे होते हैं, जब सब लोगों को देखते ना तो और ज़्यादा दुलार दिखाने लगते हैं। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं और घर पर ही थे तो सोचा चलो चलते हैं कहीं घूम कर आते हैं। सो जा रहे थे हम लोग मौसी जी के यहाँ, और वहाँ घूमने के बाद वहाँ का क्लिप मैंने नहीं ली थी, वहाँ का ब्लॉग भी मैंने नहीं बनाया है। सिर्फ वहाँ से जब लौट कर आए थे तो गंगा बहराइच की बना ली थी, हाँ वहाँ गए थे हम लोगों ने, वहाँ की बना ली थी। कार के अंदर चल रहे थे सॉन्ग, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। और मिट्टी यहाँ पर बैठी हुई है गुस्से में, अभी भी कह रही है मिरर ओपन करो और मुझे बाहर को देखना है। वो कार में जैसे ही बैठती है उसका यही होता है कि मिरर ओपन करो, मुझे बाहर देखना है, मुझे उसको अंदर नहीं बैठना होता है, कहती है वो मीटिंग आ रही है। अभी हम लोग आ गए हैं गंगा बहराइच, और ऐसे ही हम लोग गए थे मौसी के यहाँ, वहाँ से मूड बन गया चलो चलते गंगा बहराइच। तो आ गए हैं, बस वही कार में रख कर आओ, कार का मेरा ओपन है। यहाँ कुछ व्यूज व्यूज देखेंगे, देखते हैं कैसे बनती है कैसे नहीं। आओ ऊपर आओ, चला गया अभी। हाँ, कहीं आ गए। Yeah.
हम लोग गंगा बहराइच में भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे रुके, आधे घंटे के पहले इन्होंने कहते हैं घर चलो, ठीक है भीड़ नहीं, इनको कहीं जाना भी नहीं है, बट फिर भी ये कह रहे हैं घर चलो। ये घर पे हम लोगों को गेम खेलने हैं, कौन सी गेम खेलने हैं वो घर में जाके बताऊंगी। आज हम लोगों ने बहुत घूमा, सुबह से घूम ही रहे हैं हम लोग, यहाँ रील्स बन रही है। सो ये शू मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए, स्पार्क्स के हैं जो कि बहुत ही अच्छे आए हैं, कि क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। इसका लिंक मैं आप लोगों को मैंने शॉर्ट वीडियो शेयर किया, इसका रिव्यू दिया है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। एंड काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत इसके अच्छा प्राइस आई थिंक 1700 थे, बट मुझे डिस्काउंट मिला है तो मुझे आई थिंक 1100 में मिल गया है मुझे ये। तो शूज़ तो काफ़ी अच्छा आया है, आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नहीं, इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने एक शेयर की है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग ले सकते हैं। तो शूज़ तो और भी थे, इसके कलर भी डिफरेंट डिफरेंट थे, इसके कलर ब्लू ब्लैक एंड वाइट में थ्री में ही थे इसके कलर, इसके अलावा और कलर नहीं थे। न्यू ईयर में मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग जा रहा है, अभी तक मैंने कोई भी ब्लॉग बनाया ही नहीं था और न्यू ईयर वाले दिन का भी नहीं बनाया था, घर में ही सेलिब्रेट किया था। और बहुत ज़्यादा वाली ठंड हो रही है इस टाइम, तो कानपुर में बहुत ज़्यादा वाली हो रही है, आज तो यहाँ ओले भी गिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा, वो मैंने आगे शेयर किए हैं आप लोग साथ में ब्लॉग में, इन तक बने रहिएगा। तो लास्ट टाइम मैंने ओले भी दिखाए हैं और अच्छी खासी बारिश भी हो रही है, बारिश से ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो यहाँ पे गर्मा गर्म मोमोज आए हुए थे, तो आप लोग भी खा लीजिए। मोमोज देखा किसके मुँह में पानी आ जाता है, मेरा तो हमेशा होता है, मोमोज तो ऑल टाइम फेवरेट है। यहाँ पे बच्चों का चल रहा है पहाड़ी सॉन्ग पे डांस, बिकॉज मिठिया क्या होता है वो घर पे जब भी फ्री होती है तो पहाड़ी सॉन्ग लगाती है और पहाड़ी सॉन्ग पे ही डांस प्रैक्टिस करती है, उसको पहाड़ी सॉन्ग पे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में आज गिरे थे ओले, ये मैंने ओले की एक वीडियो क्लिप ले लिया छोटी सी, और काफ़ी ठंड हो गई है जब से ये बारिश हुई है, बारिश आज ही हुई है और आज से ही सुबह सुबह ये बिल्कुल जब मैं सो के उठी थी एकदम से बाहर पहुँची, बहुत तेज बारिश तो हो रही थी, साथ में जब बहुत ज़ोर की आवाज़ आई तो हम लोगों को लगा शायद ओले भी गिर रहे हैं, और बाहर जाकर देखा तो सच में गिर रहे थे, तो थोड़े ही गिरे थे, ज़्यादा नहीं गिरे थे। तो एक मैंने उठा लिया, मैंने कल एक इसकी क्लिप लेती हूँ, और काफ़ी ठंड हो गई है और बाहर तो हवा भी चल रही है, साथ में बारिश हो गई है, तो बारिश की वजह से तो ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड ठंड की वजह से अब तो बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं भी घूमने जाओ तो ठंड तो लगती ही है। और फिर बच्चों का ये होता है कि कैप नहीं लगानी होती है, घर में तो कैसे तैसे करके लगा देते हैं, अब बाहर वो लोग अपनी ही मन की चलाते हैं, कैप नहीं लगाते हैं, तो इस टाइम तो मैं बाहर भी कहीं नहीं जा पा रही हूँ, इस टाइम पर मैं बाहर कहीं भी नहीं जा रही हूँ, कहीं भी नहीं जा रही हूँ, और न्यू ईयर में भी कहीं नहीं गए हम लोग, कहीं भी नहीं गए, सिर्फ घर में रहे हैं, बिकॉज अभी इतनी ठंड ऑलरेडी हो रही है, बाहर जाऊंगी तो फिर कहीं ठंड लग गई तो कोल्ड कफ हो गया तो और भी प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे अभी बाहर जाना ही है। न्यू ईयर में इसीलिए नहीं गई थी मैं, क्योंकि मुझे अभी जाना ही है बाहर, तो वहाँ भी सर्दी हो रही है, हर जगह सर्दी हो रही है, बाहर जाना तो सर्दी तो होती ही है, दैट्स वाई हम लोग कहीं भी नहीं गए, अभी मुझे निकलना ही है बाहर। बस यही छोटा सा ब्लॉग है, ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।